Dude over here. जबकि पहुंच गए बहन सामने करवाऊंगा। ये मेरा तुझसे वादा रहा। अरे तो नहीं लगवा, अब समय आ गया है, जाओ विमल और उसकी बहन मधु को इज्जत दिला मेरे पास। पंडित हम खुदे भी काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार, बच जाएगा, पंडित को देना नहीं पड़ेगा। आप पंडित अगर न मिले हैं दिनेश कुमार भैया तो बैठे हैं, पंडित के खुद आज बिया करवा दे हैं भाई। बोला कोई बात नहीं,
तुमने मेरी इच्छा पूरी किया है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आज मैं कितना धन हूं, कल सुखर देवीगण के शरीर को स्वीकार कर लिया गया। का जमाने था तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश, तुम्हारी ऐसी कोई जिद जो कि तुम्हारा ये बात पूरी ना किया हो, तुम्हारे दिल की तमन्ना थी कि तुम्हारे स्वाद में मधुर साथ हो जाए, आज तुम्हारा ये सपना भी मैं साकार कर रहा हूँ। शादी करवा के अब चौनी लगवा कोई बढ़िया पंडित बुला के दोनों जमा द्वारा शादी करा दे, जल्दी कर दो, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। यही खड़ा हुआ पर यह कहती कन्या, यह कहती कन्या कौन कहती रहे कहने कहती, हाँ कन्या बाएं कहती, अबे उल्टा ना बोलिया, बिया करावे चलता है। एक बात है, ये कहती आवा हो आए बतावा भैया। हाँ जब हम कहा अबे मंत्र हम पढ़ते हैं कहा दे जाओ क्या बिया हम करे होता है माला ही डवा होता है सर, यहाँ पर माला डवे वाले मिट्टी तैयारी पे है, मेहमान तैयारी पे है, का यार सके हाथ था जोने जिन्हें तैयारी पर रहा, जब हम कहा गुचम गुचारा तो तुरंत जाई जावा कर दाल भात सरवनम फुलका भंजनम हाथ भोजन कर्तव्यम चाहे जितव्यम चाहे मर्तव्यम कन्या राशि गर्वदानम गुचम गुचारा। सुन लिया जो उनका हम का ध्यान में रखो, अरे नहीं हाले से विदा हो के ससुरे तू जाती यहां बहुत जब मान चूल्हा वाला गाँव मारी रमिया, कहे तू सब दाची यार यार सही सलाह बतावत है आज के जमाना का एक अल्लुक बात यार, अरे नहीं हाले से विदा हो के ससुरे जब जाती यहाँ बहुत जतमान चूल्हा वाला गाय मोरी रमिया, सासू जी के मूड में जो ससुरों का गोड़ दाबो जेठवा कर रहिया बराय मोरी रमिया, अरे कौन मुसीबत जब तोहरे कपारे आवे छोरी में से गोहुआ चोराय मोरी रमिया। याद रखे रहो कौनो मुसीबत आवे तो जितना छोड़ी गगरी के गोहूं रह लगिया के बनी अखियां बेच दियो घटा का सारी मुसीबत दूर हुई है। जा मेरी दुआएं लेते जा जा तुझको पति बीमार मेरे, हाँ यार गलत बात है, मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना
उतना काम धाम नहीं जानत तई संहार के काम धाम ले आ। इज्जतदार आदमियों के यहाँ अपना रिश्ता जोड़ रहा है। भैया
लोग हनी नहीं जाते चलिए मधु चेहरा आपको दिखा रहे हो क्या रे भोलवा मेरी इकलौती औलाद मेरा इकलौता लड़का बिमलवा मैंने कभी उससे अपना पाँच होने को नहीं कहा और तुम साला दो कौड़ी का आदमी साला पैर में चप्पल नहीं है और इतने बड़े घराने के लड़के से साला अपना गंदा देखा बाबू साहेब आप जोन कुछ कहें बेचारू लिया की देहन पैसा कौड़ी गहना गुड़िया 1,00,000 रुपये ले लिया का ये कहे रहे का पैर छुए के बिमल का आप अगर कहे हो तो बताओ ये तो बिमल अपने आप ही पैर छू लिया उसमें इनकी क्या गलती है अरे हाँ साले चला है अंदर मुर्गी समझाने तुम्हारे इतने बड़े अवकाश आने तुम हमारे नौकर हो अब ऐसा है तुमको ध्यान रहे मालिक का नौकर में रिश्ता भक्त और भगवान का होता है मालिक भगवान होता है और नौकर साला भक्त होता है दोबारा कभी हमको नसीहत दिया साले तो टांग पे टांग रख चीर के साले फेंक दूंगा मुझेदार आदमी हो मुझको क्या करना है हम अच्छी तरह जानता हूँ तुम नौकर हो अपने औकात में रहो वरना तुमको साले रिटायर करके 365 भर्ती कर दूंगा देख रहे अगर तू चाहता है कि तेरी बहन सही सलामत रहे तो मेरी ये बात सुन आज के बाद ये अपने मनहोस सूरत रुस्तमगढ़ जिले के युद्ध गिर पर दिखाना रहे अगर भूल से भी तेरी सूरत मुझको दिख गई तो कसम भोलेनाथ की मैं तेरी बहन को जिंदा जला गलती तू करेगा सजा तेरी अरे चवन्नी लड़वा ये चोपड़ा का खोपड़ा है कंप्यूटर से ज्यादा काम करता है अरे बात गौर तलब की है अरे साले मैं कसम खाता हूँ जिन हाथों से मैंने बिमलवा की और मधुर शादी करवाया है उन्हीं हाथों से यदि बिमलवा के हाथों से उस हरामजादी मधुआ को धक्के मार के इस हवेली से बाहर ना तो घर रात चोपड़ा के माँ का दूध हराऊं कसम भोलेनाथ की अरे बिमलवा मैं तेरा बाप हूं कसम भोलेनाथ की तुम उसको नहीं समझ सकता है यार वक्त का इंतजार कीजिए बाद में बहुत सारी बताऊंगा ये रहा ठर्रा चोपड़ा का ऐलान अगर आसी स्क्रिप्ट के